और 10 होने वाली है, ये छोड़कर उड़ीसा, गुजरात,
आंध्र कर्नाटक यहां भी इनकी जनजाति की शाखाएं हो रही। अब तो कश्मीर में भी लोग आए थे, यूपी लखनऊ में भी उन्होंने कहा कि गुरु हम इनकी जनजाति की शाखा खोल दें। लेकिन बाकी जब लोग जो रूलिंग के लोग हैं बोलिए जोशी क्या कर रहा है, निखिल चेतना के लिए शाखाएं खोल रहे, किसको पूछता हूँ बोलिए निखिल चेतना के सूत्र की शाखाएं खोलते हैं। तो बोले प्रभु क्या बोलो, अरे सिद्धार्थ साहब परिवार की शाखाएं खोलो। बोले सिद्धार्थ साहब परिवार की शाखा खोलने के लिए कुछ हमें नहीं है, लेकिन अगर सिद्धार्थ साहब परिवार ये गुरी की स्थापना हुई है वहां तीन शाखाएं बढ़ गई हैं जो किसका सिद्धार्थ साहब परिवार बोले, इससे हमने निखिल चेतना केंद्र का ही नाम रखा है, निखिल चेतना केंद्र की नाम की शाखाएं होगी और निखिल चेतना केंद्र की शाखाएं हो रही। आज इनको ये प्रश्न पड़ गया है कि ये बढ़ते बढ़ते कहां जा रहा है, ये कहां तक पहुंच जाएगा, इसने ये ऐसा क्या कार्य किया है कि इसकी शाखाएं बढ़ती जा रही। मैं सच कहता हूँ कभी जीवन में ऐसा नहीं सोचता था कि निखिल चेतना केंद्र एक ही हो, साधना का स्थल हो, मार्ग हो और निखिल चेतना केंद्र साधना करने के लिए लोग आए। लेकिन यह गुरु कृपा है, गुरु कृपा थी, गुरु कृपा रहेगी कि शाखाएं बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही। सच पूछो तो लोगों को शिविर करने के लिए कहना पड़ता है, मेरा हमारे तरफ से गुरु जी का शिविर करो, और मेरे को यह कहना पड़ रहा है जारी दत्तू जरा शिविर हो गया, शिविर में मेरी साधना नहीं हो रही है, तू ज्यादा शिविर के टिकट्स मत दे दिया। लेकिन कुछ ऐसे साधकों को देखने के बाद जो साधक मेरे लिए अपना जीवन पूर्ण मेरे लिए ला रहे हैं उन लोगों को तो नहीं ले सकता, और वैसे लोगों की लिस्ट भी अगर लगा दूं तो आने वाला जनवरी से लेकर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में तक एक भी संत बिना शिविर का नहीं है, जितने शिविर चाहता हूं कि शिविर कम, लेकिन उसकी संख्या बढ़ जा रही। मेरे को यह कहना है कि मैं साधना के मार्ग से आपको कुछ दे सकता हूँ, मैं साधना जब साधना सिद्ध करता हूँ या साधना करता हूँ तो आपको कुछ दे सकता हूँ। अगर मैं शिविरों के माध्यम से जाता रहा तो वो सिद्धि वो ज्ञान वो गुरु जी को जो गुरु जी का जो दिया हुआ है उस ज्ञान को अब तक पहुँचाना और आपके कार्य को होने के लिए प्रयत्न करना उसके लिए मेरी साधना जरूरी है, ये भी सोचता रहा। फिर भी मुझे ये लगा कि गुरु जी आप इतने लोगों को सबको मेरे मुझे जोड़ रहे हैं, अगर ये लोगों के कभी दिन काम नहीं हुए तो आप भी बदनाम होंगे, मैं भी बदनाम हो जाऊंगा, प्रभु कुछ करो। बोले जोशी इसके पीछे तू क्या सोच रहा है, तेरा कार्य है, ये तेरा कार्य नहीं है, ये मेरा कार्य, मैं कर रहा हूँ करने को। और मैंने कहा आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा है वैसा कार्य होने। आज मैंने जो पहली बार मेरा जन्मदिन का अनाउंसमेंट मैंने गिरनार पर्वत पर दत्त स्थान में किया और पाणिग्रहण महोत्सव मेरा जन्मदिन महोत्सव गिरनार में करना चाहा, तो मैंने दत्तू से कहा अरे वो गिरनार में रखा है देख ले शिवरात्रि भी है। तो शिवरात्रि के दिन वहाँ होता क्या है कि एक बहुत बड़ा दत्त भगवान का कुंड है और उस दत्त भगवान का कुंड कुंड में कुंड को गिरनार पर्वत में देखने के लिए कम से कम 5 लाख लोग आते हैं जो विदेश और कई देशों से आते हैं काम उस शिवरात्रि को। होता यह है कि कुंड से रात के 11:10 के बाद एकदम नागा साधु बाहर आते हैं, कम से कम वो 50,000 से 1,00,000 होते हैं कुंड से बाहर निकलते हैं और करीब 12:10 से 20 मिनट के बाद सब लोग कुंड में समा जाते हैं, चले जाते हैं गिरनार पर्वत में समा जाते हैं। उस दृश्य को देखने के लिए बाहर से विदेशों से भी लोग आते हैं और सब लोग आते हैं। हुआ ये कि 21 फरवरी मेरा जन्मदिन शिवरात्रि और ये सब एक ही दिन आया, बाद में पता चला। अब ये पता चलने के बाद कि वहाँ ये है, मैंने आयुर्वेद से पूछा भाई वहाँ उतने लोग आ रहे हैं अपना शिविर के लिए स्थान मिलेगा या नहीं मिला, नहीं मिलेगा। तो पहले तो उसने कहा गुरु जी सोचना पड़ेगा, बहुत रश रहता है गिरनार पर्वत में, सोचना तो जरूरी है। लेकिन गुरु जी का नाम लेकर हम जाते हैं, प्रयत्न करते हैं। वो गए गुरु जी के पास, गुरु जी से प्रार्थना की तो गुरु जी उन्होंने कहा गुरु जी आप कोई चिंता मत करो, जितने भी लोग आने दो मुझे, मैंने ऐसा स्थल देखा है सभी को अकोमोडेट करूंगा, आप जितने भी लोग आने दो आने दो।
कि भगवान दत्तात्रेय और नागपति सभी लोग नाग संप्रदाय में बाबा मच्छिन्द्रनाथ जी, बाबा गोरखनाथ जी, ये सारी चीजें, सारे देवता उनके शिष्य ही है। एक नागस्थल का, नागपंथ का एक विधान, वो दत्त पर्वत के नीचे पहाड़ों में छुपे रहते हैं और उस दिन केवल उस सूर्य से बाहर आते हैं और सबको दर्शन देकर जाते हैं। कहते हैं उस समय एक ज्योत भी बाहर आती है और नागस्थलों का दर्शन होने के बाद जब चले जाते हैं उस कुंड के पानी को अपने ऊपर छिड़क लेने के लिए लाखों लोग वहां उस सूर्य के पास आते हैं जहाँ आज इस बार की शिवरात्रि या मेरा जन्मदिन महोत्सव मना रहे हैं। इसके पीछे मेरा एक ही चिंतन था कि मेरे साथ जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मैं जिनको ऐसा दे सकूं कि आने वाली पीढ़ी को याद करें कि हमने गुरु जी के साथ रहकर एक कार्य किया, ये दिखा है। अब उससे लेकर क्या करना है ये सोचने के बाद मुझे लगा, क्योंकि मैंने गिरनार पर्वत पर, दत्त स्थान पर, गोरक्षनाथ के स्थान पर नाग संप्रदाय से साधना केवल दूध पर रहकर ही संपन्न की थी और मैंने अनुभव किया था। वहाँ एक गिरनार पर्वत के नीचे एक काली माता का विग्रह जिसमें गोरखनाथ जी को और काली माता का कहते हैं कि द्वंद युद्ध हुआ था, यानी बातों के कारण युद्ध हुआ था। काली माता अपनी शक्ति और गोरखनाथ जी अपने गुरु की शक्ति बता रहे थे और इन दोनों में जब युद्ध हुआ तो साक्षात शिव जी आए और उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो माता काली ने कहा कि हे शिव, ये बता दे कि मैं श्रेष्ठ हूँ या ये श्रेष्ठ है। तो उसने कहा कि तू जानती है कि कौन श्रेष्ठ है, क्या ये गुरु आज्ञा से संसार चलता है या दूसरे संसार चलता है, हे काली तू बता। उसने कहा बिना गुरु के तो मैं भी प्रत्यक्ष नहीं होती, तो गुरु की श्रेष्ठता है तो गुरु को मान ले कि गुरु ही श्रेष्ठ है। और गोरखनाथ ने पहली बार माता काली को बताया था कि गुरु श्रेष्ठ है। वहां गोरखनाथ ने कहा कि यहां से ये गोरखनाथ की और भगवान दत्तात्रेय भी आए, प्रत्यक्ष हुए और कहा हे माता काली, आज से यहाँ एक नया पंथ का उद्भव होगा, उस पंथ का नाम होगा आई पंथ। उन्होंने कहा आई का नाम क्या, आई क्यों कहते हैं? तो कहा गया कि आई मतलब आ का अर्थ है आजमाया और ई का मतलब ईश्वर। इन दोनों का मिलन होने के बाद आई पंथ चलेगा और आई पंथ आज भी चल रहा है महाराष्ट्र में, हो कहीं जो आई कहते हैं। आई का अर्थ होता है आजमाया और ईश्वर का मिलन, इन दोनों के मिलन को आई कहा है और उसके गर्भ से हम उत्पन्न वाले उत्पन्न होने वाले हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की शुद्धि से उत्पन्न हुए उसे आई कहा है। और ये आई पंथ वहां उस आई पंथ को नाग संप्रदाय में आरंभ किया और वह भी शिवरात्रि का है। कहते हैं कि उस दिन जो इस पंथ में चलते हैं, जो इस पंथ का नामोच्चारण भी करते हैं, वह आई नाम का नाम भी लेते हैं, आई का आई नाम लेकर वहां साधना करते हैं, उसे माता काली प्रत्यक्ष होती। मैंने वहां जब मैं साधना करने गया तो लोगों ने कहा कि यहाँ गुरु गोरक्षनाथ ने एक ध्वनि जलाई है, उस ध्वनि का भजन लेकर आप बैठो। तो पहले तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं रहो, यहाँ रोज बाघ आता है, बाघ शेर आता है और आप यहाँ साधना नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं शेर वैसे डरता है, मृत्यु से डरता है, प्रभु जी सद्गुरुदेव की है, किसी भी तरह हुआ। वह छोटी सी झोपड़ी बंधी हुई थी और झोपड़ी को दरवाजा नहीं था, केवल खड़ा लगाने के लिए एक बड़ा सा फाटक लगा दिए थे और उसमें मैं साधना के लिए बैठा था। मेरे साथ दूसरे आगे भी थे, दोनों थे और तो वो दोनों बोलने लगे गुरु जी यहाँ क्यों बैठे हैं, ऊपर जाएंगे, अम्बा माई का मंदिर है, वो अम्बा जी के स्थान में अभी करेंगे, यहाँ शेर आता है, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मैं बोला तुम्हें डर लगता है तो तुम जाके अम्बा जी के मठ में बैठो, मैं साधना यहीं करके आता हूँ। तब उनको मजबूर होना पड़ा कि गुरु जी जब बैठे तो हमें बैठना चाहिए, वो भी मेरे साथ बैठ गए। तो तीन दिन की केवल दूर करेगा साधना थी। 10,000 शिव से भगवान दत्तात्रेय यहाँ आज भी निद्रा करने वहाँ आते हैं गिरनार पर्वत पर और सारे नाग संप्रदाय के लोगों को दीक्षा देकर जाते हैं, ऐसी धारणा है। जैसा कोल्हापुर में भिक्षा, वाराणसी में काशी में स्नान और गिरनार पर माहौर में निद्रा और गिरनार पर्वत पर सिद्ध तपस्या करने का स्थान का है। दत्तात्रेय ये चार जगह भी विराजमान रहते हैं, चार जगह भी उनका अस्तित्व है, वो आज भी कृपा करते हैं ऐसा कहा गया है।
तो उस गुरुनाथ पर्वत पर मैंने गोरखनाथ धुनि के पास बैठकर साधना संपन्न की। साधना संपन्न की तो हम जब मैं रात में साधना करता था बैठा तो रात में शेर का आवाज आ गया। अब ये दोनों भी मेरे पीछे जंगली लोग जंगल के रहने वाले लोग वनवासी रहते हैं उन वनवासी को कहा मैंने कि यहाँ गोरखनाथ जी की स्थापना की हुई काली माता का मंदिर वो कहाँ है। बोले गुरु जी यहाँ से 4 किलोमीटर जंगल में चलना पड़ता है लेकिन वो जगह अच्छी नहीं है वहाँ शेर आ गया। फिर शेर का डर लगा गया। मैंने कहा कोई बात नहीं हम सुबह के समय में जाकर काली माता का दर्शन ले जाते हैं। मैं उस काली माता के दर्शन के लिए गया और देखा कि गुफा में काली माता है। ऐसा लगा कि माता आंखों से देख रही है अपने को माता का दर्शन होने के बाद। और जैसा ही मैं माता के चरणों में झुककर नमस्कार किया देखा कि मेरे सर पे कुछ गिरा है गिरा गिरा लग रहा है। मैंने जब मेरे शरीर मेरे सर को लगा कर हाथ लगा कर देखा तो फूल था माता की जीव से फूल लग रहा है। इतनी ही जागृत काली है गिरनार भवन के पास। मुझे लगा कि हमारे साधकों को कम से कम वो जीवन में कुछ देखे ना देखे वो ये तो अनुभव करे कि हाँ ऐसे सिद्ध रहते हैं। जब मैं उन पादुकाओं को नमस्कार करने गया अब तो मुझे पता है हमारे साधकों में गुस्से में अभी माता जी और आपके साथ करना कह रहा था कि जो जवान है मेरे साथ आना जो बूढ़े हैं माता जी के साथ आना क्योंकि 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ने का जिसमें क्षमता नहीं है। ठाकरे भी बोलता है मेरे भी घुटने बहुत दर्द हो रहे हैं दिखने के जवान दिखता है ऊंच है उसको लेकिन पता ये है कि वो 10,000 या 1,000 भी नहीं चढ़ सकता सीढ़ियाँ मुझे पता है। प्रश्न ये है कि हम क्या 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं भगवान दत्तात्रेय का दर्शन दे सकते हैं क्या गोरखनाथ की धुनी के पास जा सकते हैं। मैं तुम्हारी परीक्षा इसलिए लेना चाहता हूँ कि मेरे साथ कांचनजंगा कितने लोग आएंगे ये यहाँ से परीक्षार्थ होगी। पहला शिविर गिरनार पर्वत पे होगा जहाँ सिद्धों का दर्शन होगा और वहां से बाद होगा कांचनजंगा का जहाँ पूरी जन्मदेश बनाने की इस बात मैंने ठान ली। और इस दो जगह भी मैंने सिद्धाश्रम प्राप्ति साधना ही की है। इसका पीछे से पीछे भी कारण है जो सिद्धाश्रम प्राप्ति साधना संपन्न करते हैं उनको जरूर सिद्धों का दर्शन होगा और जिनको सिद्धों का दर्शन होगा वो कभी भी रोगी काया नहीं कीजिएगा उनकी काया निरोगी काया होगी उनके शरीर में ताकत होगी और देखने की क्षमता होगी चलने की क्षमता होगी सिद्धों को देखने की क्षमता होगी। इसलिए मैंने गिरनार पर्वत पे भी सिद्धाश्रम प्राप्ति साधना की है और कांचनजंगा पर भी सिद्धाश्रम प्राप्ति साधना को ही मैंने रखा हूँ क्योंकि वहाँ विशेष शिवरात्रि रहने कारण सिद्ध जरूर आते ही हैं भगवान दत्तात्रेय को दर्शन करने के लिए शिवरूपी दत्तात्रेय को और गोरखनाथ को भी शिव का अंश भी कहा गया है शिव ही कहा गया साक्षात उनके दर्शन के लिए सारे नागा साधु कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं और उनका दर्शन ज्योति के रूप में होता ही है ऐसा कहा गया है। तो पहले ही सिद्धों का दर्शन हम कर लें इसके लिए कौन सी साधना करनी है और क्या करना है ये मैं इससे कहा कि सिद्धाश्रम में जो सिद्ध रहते हैं उनका दर्शन हमें हो हम निरोगी काया बने हमारे हमारा शरीर बीमार ना हो हम बूढ़े ना कहलाएं हम चल सके हमारे में क्षमता है। आपके पास करोड़ों रुपए भी है और आप पलंग पर बीमार होकर पड़े हैं तो करोड़ों रुपए के स्थान हम अपने पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सकते और हमारे पास हमारा शरीर बीमार है तो वो पैसा किस काम का वो भवन किस काम का वो घर किस काम का। इससे क्या कहा गया है आरोग्य ही महाभाग्य है जिसके पास आरोग्य है वो यहाँ नहीं तो कल कहीं मिल सकता है अंदर के साथ जी सकता है। और उस आरोग्य प्राप्ति के लिए हमें साधना करने के लिए तपस्या करने के लिए जो शक्ति चाहिए वो सिद्धों से मिलती है वो वज्रकाय होते हैं। तो उन सिद्धों का दर्शन या उन सिद्धों के दर्शन से हुई हुई भस्म स्नान का भस्म अगर हमारे माथे पर लगता है तो हमारी सारी बीमारियां चली जाती है। बहुत सारे लोगों ने अभी तो सुना है कि कोरोना वायरस चीन से आ रहा आज से भारत की एक श्रेष्ठता है चाहे मलेरिया हो निमोनिया हो कालरा हो इससे पहले आने वाले डेंगू हो कोई भी बीमारी हो वो कभी भारत में पैदा नहीं हुई क्योंकि भारत ऐसा सिद्ध क्षेत्र है बीमारी यहाँ पैदा नहीं हुई बीमारियां वायरस से ही आती है। आप कहीं भी देख लो आज तक भारत में बीमारियां इसलिए नहीं हुई क्योंकि देवता जागृत है यहाँ शाकाहारी खाने वाले हैं और यहाँ का खान पान का विधान ऐसा है
है, यहाँ की गंगा ऐसी है, यहाँ की पंच नदियां ऐसी है, तुम्हें बीमार करती ही नहीं, ऐसी बीमारियां वाले बीमारियां पर बारिश करके और बीमारियां हमारे पर अटैक करती है। हमारे पास दुर्गा क्षति में हम चलते हम बार बार कहते हैं हमारे साधु सत्पुरुषों ने ऋषियों ने इसका पहले इंतजाम कर लिया था। ये संक्रामक बीमारियां जो एक चुने से दूसरे को आने वाली बीमारियां जिसको दुर्गा सप्तशति में कहा गया है कि माँ काली सिद्ध थी तो एक राक्षस ऐसा रहता है जिसका नाम था रक्तबीज। उसको अगर एक घाव लगा और उसके पीछे रक्त का बूंद गिरा तो दूसरा पैदा हो जाता था राक्षस, ऐसा उस कहानी में कोट वर्ड में कहा गया। इसका अर्थ अगर हमारे इसमें देखा जाए तो वो संक्रामक बीमारी है, वो रक्त है जो उसके गिरने से उसके छूने से दूसरों को बीमारी आ जाती है, बीमारी पैदा होती है, उसे राक्षस कहा गया। और जहाँ दुर्गा सप्तशती का पाठ होकर नवारण मंत्रों का चंडी हवन होता है वहाँ बीमारियां बनती नहीं। और हमारे भारत में हमने देखा है कि हर जगह चंडी हवन होता है, वहाँ रक्त से संक्रामित बीज या संक्रमित कोई भी बीमारियां यहाँ कभी पैदा होती ही नहीं, क्योंकि प्रभु जी सुखदेव और उन ऋषियों की देन है हमारे भारत को, यहाँ आते ही यहाँ गंगा नदी का स्थान। तो परसों किसी ने कहा कि बहुत लोगों से संक्रमण जो हो रहे हैं हमारे कुंभ मेला हो या हमारे तीर्थ क्षेत्र में हमारे विठल भगवान के पंढरपुर के बारे में लाखों लोग आते हैं, लेकिन कोई संक्रमण नया रोग आया कभी नहीं आया, क्योंकि हमारे पास इतनी हमारे देवताओं में शक्ति है कि वो संक्रामक लोगों को संक्रामक रोगों को आते नहीं, नई बीमारी का बीमारियों को रोगों को आने देती। हो सकता है कि पानी के वजह से कलरिया उल्टिया होना, लेकिन उसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऐसी बीमारी जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता ऐसी बीमारी आती नहीं। ए हमारे ऋषियों की देन है कि इस पृथ्वी पर गंगा स्नान नदी स्नान करते हुए हम जिस खान पान करते हैं और हम जिस देवताओं के पास जाते हैं ऐसी संक्रामक बीमारियां हमारे पास नहीं आई।